प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट, आवर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट, आवर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। मैं स्पोक्समैन J&K पावर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट की हैसियत से आपसे रूबरू हूं और आज पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ देश भर में ही नहीं जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मोमेंट जब आप देख रहे हैं, एजिटेशन का मोमेंट, हम वक्त की सरकार को बता देना चाहते हैं ये प्राइवेटाइजेशन का अमल फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है। इस पावर सेक्टर को जो महकमा अपनी रीढ़ की हैसियत पूरे स्टेट में रखता है, इसको वापस एक महकमाना हैसियत बख्शने की जरूरत है और महकमा में काम कर रहे कर्मचारी अपने जानों पर खेलते हुए इस महकमा की शान रफ्तार को बहाल करने के लिए इसी तरह 2019 से लेकर और आइंदा भी एजिटेटिंग पाथ पर कंटिन्यू रहेंगे, जब तक हम अपने हुसूलों की लड़ाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में और कामयाबी का झंडा रिजल्ट ओरिएंटेड महकमा की महकमाना हैसियत को बरकरार वापस करने में हुकूमत वक्त को नहीं छोड़ेंगे तब तक। और ये लड़ाई आगे भी लड़ने का महकमा के मुलाजमों, इंजीनियरों और डेलीवेजरों ने उठा रखा है और हमने कसम खाई है कि ना थकेंगे, ना झुकेंगे और ना बिकेंगे। एक मोमेंट अब एजिटेटिंग पाथ पे होगी और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी वक्त की सरकार और पावर इंतजामिया पर आयद होगी।